दोस्तों आपने टोरेंट के बारे में तो न जाने कितनी बार सुना होगा या फिर आप कई बार टोरेंट से कोई भी फाइल डाउनलोड भी कर लेते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये टोरेंट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि टोरेंट होता क्या है और ये काम कैसे करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने टोरेंट के बारे में तो न जाने कितनी बार सुना होगा या फिर आपने कभी ना कभी कोई गेम या फिर कोई मूवी टोरेंट से डाउनलोड भी की होगी। तो आज हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है। टोरेंट जो आपको वो नॉर्मल वेबसाइट काम लेते हैं उसकी तरह काम में नहीं करता, क्योंकि जिस भी आपको वेबसाइट काम लेते हैं तो वो वेबसाइट पूरी सर्वर में स्टोर रहती है, मगर टोरेंट में ऐसा नहीं होता। आपको टोरेंट काम में लेने के लिए एक ब्राउजर दिया जाता है, यानी कि एक डाउनलोड मैनेजर दिया जाता है जो आपकी फाइल को डाउनलोड करता है। और जो ये आपके जो टोरेंट में जितनी भी आपको सामान दिखाई देता है उसकी जो सिर्फ उसकी जो बैकग्राउंड चीज़ है वो सारी उसकी सर्वर में स्टोर रहती है, मगर जितनी भी उसके अंदर अपलोड फाइल्स है चाहे गेम हो या फिर कोई भी मूवी हो वो किसी न किसी इंसान के कंप्यूटर में सेव रहती है जिसने अपने कंप्यूटर में बिट टोरेंट या फिर यू टोरेंट स्टोर किया हुआ है। मान लो आपने कोई फाइल डाउनलोड की, वो फाइल आखिर आई कहाँ से? मान लो मेरे पीसी में फाइल है, मैंने वो टोरेंट पे छोड़ दिया, नहीं मैंने उसे टोरेंट से एक्सेस दे दिया उस फाइल का, यानी उस फाइल को मेरे कंप्यूटर के जरिए कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अगर कोई सामने वाला उस फाइल को डाउनलोड करता है तो मेरे कंप्यूटर की जो बैंडविड्थ है वो उसमें इस्तेमाल होगी, यानी मेरा इंटरनेट उसमें इस्तेमाल होगा। मगर आप सोच रहे होंगे कि कोई अपना इंटरनेट क्यों देगा किसी फाइल को इंटरनेट पर लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके लिए आपको इसमें टोरेंट में जो एड्स आते हैं उसके आपको पैसे मिलते हैं, इसलिए कोई भी इंसान अपनी कोई भी फाइल अगर टोरेंट में सेव करना चाहता है तो वहाँ पर उसको एक्सेस करा सकता है, यानी कोई भी उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। मान लो आपके पास कोई GT4 है या फिर GT5 है, आप चाहते हैं कि ये गेम सभी लोग डाउनलोड करें, तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे टोरेंट के जरिए। आप अपनी उसके अंदर चाहे तो उसको प्रमोशन भी कर सकते हैं या फिर कोई इसी इसमें जो एड्स आते हैं उसके जरिए भी उसमें इनिंग रिन्यू कर सकते हैं। आपको सिर्फ टोरेंट में आपकी फाइल सेव करनी होती है। जो टोरेंट होता है वो एक सर्वर की तरह काम में नहीं करता, या आपको जो फाइल टू फाइल सर्वर की तरह काम नहीं करता, यानी कि एक पीसी से दूसरे पीसी को कनेक्ट किया जाता है, उस पीसी की फाइल उस पीसी में भेजी जाती है, इसमें बीच में कोई सर्वर नहीं होता। ये होते हैं टोरेंट। जो उम्मीद आपको पता चल चुका होगा टोरेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।